डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मेरठ में छोटे भाई ने बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। हर दिन भाई घर पर शराब पीकर हंगामा करता था। छोटे भाई ने कई बार समझाया। रविवार देर रात भी भाई फुरकान शराब पीकर घर आया था। वो गाली गलौज कर रहा था, सभी को परेशान कर रहा था। बताया जा रहा है कि इस बीच छोटे भाई ने तमंचा निकाला और बड़े भाई को डराने के लिए गोली चला रहा था, मगर बड़े भाई ने जैसे ही तमंचा छीनने का प्रयास किया तो गोली गर्दन के नीचे लग गई। घटना लिसाड़ी गेट की है। अधिकारियों ने बताया कि हत्या करने वाले भाई को अरेस्ट कर लिया गया है, तमंचा बरामद कर लिया गया है, साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। वहीं इस वारदात के पीछे संपत्ति का विवाद भी निकल कर आ रहा है। बताया जा रहा है कि मकान को लेकर भी दोनों में विवाद चल रहा था। फिलहाल आरोपी ने बताया कि मुझे पछतावा है कि भाई की मौत हो गई। देखिए स्थानीय लोगों से मिली जानकारी। भैया क्या नाम है आपका? अल्ताफ। अल्ताफ, यहाँ रात गोली लगी है, घटना हुई, क्या मामला हो पूरा बताया? मामला ये था, इन भाइयों में था मामला। वो जो उनका पता नहीं उनमें क्या मैटर चल रहा था, घर का मैटर था, पैसे के ऊपर लड़ रहे थे, मकान के ऊपर, जैसे कि मकान दुकान हो कि हिस्सा दे दो जी, ये दे दो, इस तरीके से लड़ाई हुई थी बच्चों में, उसके ऊपर मारी हुई, फिर पीने खाने के ऊपर लड़ाई हुई थी, ये मसला था पीने खाने का। मामला क्या था? प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था? प्रॉपर्टी को ही चल रहा था जी। अच्छा, सीधी बात तो यही है, महल्ले वाले भी कोई किसी को नहीं देखते, महल्ले वाले होते कम से कम ये कह देते। रात कितने बजे घटना है? ये 11:30 बजे की घटना है जी। 2:40 पर हम पे फोन गया, हम बाहर के रहने वाले। क्या नाम है मृतक का? जी मृतक का नाम क्या है? उसकी डेथ हुई, जिसके गोली लगी उसका नाम क्या? फुरकान है उसका तो नाम। क्या लगता है आप उनके? साला था मेरा वो। ठीक, क्या नाम है भैया आपका? मेरा छोटा कृषि नाम है जी। ये क्या घटना हुई है यहाँ पर भैया जी? घटना यही, हमें 4 बजे पता लगी कि भाई फुरकान को गोली मार दी, वो ख़त्म हो गई। कारण क्या रहा है? ये कारण ये था, इन्होंने आपस में रंजिश है इनके भाइयों का। अच्छा, क्या रंजिश थी? ये हमारी बहन को भी मार कर रहे थे, कल एक दिन पहले बहन को मारी इन्होंने, रिजवान ने, सोचा छोटे वाले ने, उसके यहाँ नील पड़ा हुआ, नए वाले बताई ना, फिसल के गिर गई, बर्फ धोरी थी इसलिए मारी इन्होंने। इनकी अम्मी मारपीट क्यों करते थे? बस भी पता नहीं कौन करता था जिसने गोली मारी उसने। क्या नाम उसका? रिजवान है। अच्छा, रिजवान है। इनका 2-3 और भैया भी हैं। अच्छा, और इनकी अम्मी भी क्या करी थी, तेरी भक्ति खाऊंगी। अच्छा, जो मरता क्या फुरकान, क्या रिजवान का उसने विरोध किया था क्या इस बात का कि मारपीट क्यों करता है? क्या बंटवारा था क्या नहीं? तो मेन कारण क्या? बहन के साथ बर्फ धो रही थी सर, वो बर्फ धोते में वो रिजवान रपट गया, उसने मार बजाई, उन्हें हमसे यहाँ के आगे वो लड़की घर, हमने देखा क्या बात हुई, नील क्या सोरन में गिर गई थी, जब उन्हें बाद में बताया। तो गोली मारने क्या कारण रहा उसका? गोली मारने क्या कारण रहा उसका अपने भाई का? अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वर्धमान एकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान एकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।